माई डियर लेडीजो एंड जेंटो, स्कर्टो एंड पेंटो, आंटी और अंटो, और मंच पर पड़े दो खूबसूरत मोमेंटो को प्रणाम करता हूं। मैं केसरदेव मारवाड़ी, आचार्य तुलसी की जन्मभूमि, महाप्रज्ञ की कर्मभूमि और महाश्रवण की धर्मभूमि, तेरा पंथ की राजधानी लाडनो से आया हूं। आप सबको वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अच्छा, मैं आपके ज्यादा प्राण नहीं पीऊंगा, मात्र 3 मिनट में अपनी बात कहकर 5 मिनट में बैठ जाऊंगा। आप 10 मिनट ध्यान से सुनना। वार्ड नंबर 17 को ज्यादा प्रणाम करता हूं। अच्छा, पिछले दिनों में लाइफ ओके चैनल पर गया, मैं अपने राजस्थान की भाषा, सभ्यता और संस्कृति को लेकर पूरे विश्व में अपनी महत्ता बताने के लिए, मारवाड़ी समाज की विशेषता बताने के लिए जाना जाता हूँ। और वहाँ चैनल पर गया तो मुझे अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। इवन बॉम्बे में एंटर होते ही मेरे दिक्कत आ गई। मेरे को तो ट्रैफिक पुलिस वाले ने रोक लिया, बोले ये सिर पर लाल बत्ती लेकर कहाँ घूम रहे है। अरे मैंने कहा सर ये लाल बत्ती नहीं, ये तो साफा है। बोले व्हाट इज मीन्स ऑफ साफा। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा सर ये एंटी थर्मल लू स्कैनर लट प्रोटेक्टर लाइट वेट हेलमेट है। क्या बात है, जरा फिर से। उनके समझ में नहीं आया क्या, उन्होंने कहा व्हाट इज मीन्स ऑफ साफा। मैंने कहा सर ये एंटी थर्मल लू स्कैनर लट प्रोटेक्टर लाइट वेट हेलमेट है। बोले यार काम की चीज है, और क्या काम आता रहा। मैंने कहा कुछ भी काम लो, इसको होल्ड करके, फोल्ड करके, मोल्ड करके कुछ भी काम ले सकते हैं। वो बोले फॉर एग्जाम्पल। तो मैंने कहा सर इसको गोल करके तकिया, रोल करके रस्सी, खोल करके चादर बना सकते हैं। अरे इसको झोल करे तो ये थैला बन जाता है, और सिर पर लगते ही आदमी मारवाड़ का छेला बन जाता है। अरे छेला, अरे ये तो एक फेंटा है। फेंटा क्या, एक फैंटेसी है। इसकी आड़ में बदसूरती आदि हो जाती है, और कालूराम जी इस साइन बोर्ड के लगने से तो कई गंजों की शादी हो जाती है। भाई बहुत अच्छा केदार जी। लगता है कालूराम जी के शुभ चिंतक बहुत बैठे हैं। ना, वो क्या है, बालोतरा वालों का प्रेम ही है। देखो मैंने अभी बात की, मेरे को बाहर दो बालोतरा वाले मिल गए। मैंने कहा यार वो मंच पर लोग देखो अलग अलग ड्रेस में बैठे हैं, सतरंगी ड्रेस में बैठे हैं, मंच कितना निराला है, आपको कैसा लग रहा है। अब जहां की जो समस्या वो उस विजन से ही देखता है। मैंने बालोतरा वाले से पूछ लिया, मैंने कहा देखो मंच पर लोग रंग बिरंगे कपड़े पहने हैं, सतरंगा मंच है, कितना निराला है। बोले ऐसे लग रहा है जैसे यहाँ साहब 8 रंगों वाला खाड़ा है, अलग अलग रंग बह रहे हैं उसमें नाले में। वो समस्या जैसी हो उस हिसाब से ही देखता है। मैं आपको हंसाने गुदगुदाने का प्रयास करूंगा। ये अलग अलग रंग जो है ये यहाँ की भले ही विशेषता हो, पर मेरे को पता है आजकल महिलाओं में कलर मैचिंग कॉन्सेप्ट का जो चस्का चला है बड़ी प्रॉब्लम है। मैं लाडनू का रहने वाला, आजकल जयपुर रहने लग गया, और आदरणीय गणपत जी कहीं बैठे हैं क्या, मैं लेट भी नहीं होने वाला था, लेट हो गया। मैं जयपुर से चला तो मेरे वो व्हाट्सएप पर एक मैसेज आ गया पूर्व सीएम का, आपके भी यहाँ आया होगा, आया कि नहीं आया मेरे को पता नहीं। बोले सीएम हाउस में मेरे चड्डी बनियान सूख रहे हैं, आओ तो जल्दी से ले आना। मैं उस चक्कर में लेट हो गया। वो जोधपुर रुकना पड़ा मेरे को। तो वो क्या कलर मैचिंग कॉन्सेप्ट का चुस्का ही ऐसा है। मेरी घरवाली को लग गया, आजकल मैं जयपुर रहने लग गया, जयपुर पिंक सिटी। तो वो जहां भी जाती है गुलाबी रंग की साड़ी पहन के जाती है। बोले पिंक सिटी का मतलब पिंक साड़ी पहन के। पिछले दिनों हम लाल किला गए, वो लाल साड़ी पहन के गई। हम हरियाणा गए, वो हरी साड़ी पहन के गई। हम पीली बंगा गए, वो पीली साड़ी पहन के गई। बुद्धि प्रकाश जी मैंने तो अज्ञात आशंका के चलते नागालैंड का टूर तो कैंसिल ही कर दिया। कॉम्प्लेक्स।
बहुत अच्छा केसर दे। कौन रिस्क ले जी? वो पिछले दिनों हम सह परिवार, हमारे पास में सालासर जी का मेला भरता है, बुद्धि प्रकाश जी आ गए परिवार सहित, बोले दर्शन करना है। मैंने कहा चलो, मैं भी परिवार सहित गया। मैं जब दर्शन करके बाहर निकला तो इधर उधर घूम रहा था, बुद्धि प्रकाश जी ने पूछा भैया क्या कर रहे हो? मैंने कहा क्या करे, चप्पल खो गई। बोले यार भली चिंता करी, इतनी सी बात के लिए खो गई तो खो गई। यहाँ देखो इतना बड़ा मेला, लाखों की भीड़, इतनी चप्पलें, आप तो इनमें से जो भी कोई लेटेस्ट डिजाइन की हो, फैशनेबल हो, जो आपके एकदम फिट आए, बढ़िया कंपनी की हो, पहनो और निकलो। और मैंने कहा वेरी गुड आइडिया। मैंने कहा थोड़ी देर में इन पे पहन के चला। मैंने कहा चलो चलते हैं। बोले रुको, तेरी भाभी नहीं आई, हम आधे घंटे तक इंतजार करते रहे। मैंने कहा क्या हुआ? बोले लगता है मेले में कहीं खो गई। मैंने कहा डोंट वरी। क्या स्पिन बॉल है। मैं कुछ बातें बताऊंगा। अभी वो भाई कह रहे थे बहुत बढ़िया कविता पाठ करके गए, बोले सिंग लगाने से सिंग नहीं हो जाता, मोदी ऐसे वैसे। मैं देखो ऐसी फालतू बातें बिल्कुल ही नहीं करूंगा, मैं अपनी बात तरीके से समझाऊंगा। आपने जो बात कही कहूंगा मैं वही, लेकिन अपना कहने का ढंग दूसरा है। सब जगह लोग कह रहे हैं, मैं राजनीतिक कटाक्ष इसी बातों में लिख रहा हूं। अभी वो बहुत हल्ला हो रहा है कि अपने हमारी देवयानी को अमेरिका में बेइज्जती की यार, कपड़े उतार लिए। भाई देवयानी हो या दामिनी, हमारी भारतीय महिलाओं को बेइज्जती करने का अधिकार सिर्फ हमें ही, अमेरिका वालों को थोड़ी है। वो बोले क्या करे? मैंने कहा उपाय मैं बताता हूं, वैसे करो। सटायर है, वाह। बोले क्या करे? मैंने कहा देखो, हमारे जो विदेश नीति है अमेरिका और दूसरे देशों के प्रति, वो कमजोर है। हमारे भारतीय मूल के लोगों की इतनी बेइज्जती हो रही है। आप हमारी विदेश नीति को मजबूत करो, सख्त करो। और ऐसे नहीं मानते हैं तो वहां, अगर वो ऐसे नहीं मानते हैं तो हमारी जो विदेश नीति है उसको मजबूत करो, सख्त करो। और फिर भी अगर अमेरिका वाले नहीं मानते हैं तो सनी लियोन को भारत की राजनीति नियुक्त करो। कहां से वो चेक कर लेते हैं देखे। आपके सिलेबस में ही नहीं है ये इधर वाले जान रहे हैं। अरे तो आप बताओ ना इनको, बुजुर्गों को। ये सोच रहे हैं महाभारत रामायण में तो सनी लियोन का कहीं उल्लेख ही नहीं था। वो समस्या आ रही है साहब। वो जो ही अभी पूरे देश में वो अल्लाह हो रहा है। पिछले दिनों जब दामिनी वाला कांड हुआ तो संसद 3 दिन तक इस विषय पर बहस करती रही कि संबंधों की न्यूनतम उम्र की सीमा क्या हो, क्या हो। संसद में डिस्टर्ब रहा, मैंने मामला सुलटाया। मैंने कहा देखो, ये संसद भंग करने से और ये खराब करने से और हो अल्लाह करने से कुछ नहीं होगा। संबंधों की न्यूनतम उम्र की सीमा तय करने से पहले आप नारायण दत्त तिवारी, राघव जी, आसाराम जी, मदेरना जी, इनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अधिकतम उम्र की सीमा तय करो। क्या लॉजिकल है यार, वाह वाह। जहां रिस्क है वहां काम नहीं कर रहे हैं। अरे नौजवान जानते हो बुजुर्गों के लक्षण ठीक नहीं है। अब की बार नौजवानों ने अपना काम कर दिखाया तो 163 एक नहीं हुए। बुजुर्ग भले ही कैसे काम करे, लेकिन मेरी नौजवान पीढ़ी बहुत बढ़िया काम कर रही है, इस बात की हमें खुशी है। वो लोग पूरे देश में कह रहे हैं हमें